हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग बनाने वाले हैं ब्लाइंड फोल्ड, ठीक है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके लिए बेसिकली हम लोग पेपर यूज करने वाले हैं, कोई भी कॉटन यूज करते हैं, और कॉटन मेरे को जरा भी पसंद नहीं, इसलिए पेपर से हम लोग आज बनाने वाले हैं। I am so unique, that's why I am using paper. So, हम लोग पांडा का फेस बनाएंगे हमारे ब्लाइंड फोल्ड पे। दो लोग के लिए चार पीसेस चाहिए, देखते हैं कैसे बनाना है। प्रतीक व्हाइट पेपर देना। ओ मेन थिंग, टू मिनट्स फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी उसको फोर पार्ट में से फोल्ड कर दिया। प्रतीक दे रहे व्हाइट पेपर, ये देखिए फ्रेंड्स मैंने क्या किया है। ऐसे हमारा ड्रॉइंग पेपर आ रहा है व्हाइट पेपर, मैंने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया है, जैसे हमें चार पीसेस मिल जाए एक साथ, ज्यादा वो खार ना करना पड़े। सो पहले हम लोग ब्लाइंड फोल्ड का शेप बनाएंगे। प्रतीक पेंसिल, मैंने प्रतीक और मेरी आई का माप देख लिया है, एकदम थोड़ा लिटिल लिए हैं, इसलिए मैंने छोटे छोटे के मार्क्स किए पेंसिल से, दिख रहे होंगे आपको। सो अब इसके ऊपर हम लोग ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। हम लोग ब्लाइंड फोल्ड का शेप ड्रॉ करेंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने ये शेप ड्रॉ कर लिया, जिसको इस लाइन से कट कर देंगे। सिर्फ ये थोड़ा छोटा हो गया, हम लोग कट के साथ उसको बड़ा भी बना देंगे। प्रतीक सीजर लाओ। साइड में टेबल पे मैंने सब कुछ रखा है, जो भी चाहिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा क्या क्या चाहिए। मिलते हैं कट करने के बाद। फ्रेंड्स, मैंने ऊपर का साइड कट कर दिया है, फिर नीचे का साइड। आपको ऐसे नहीं इसकी परफेक्ट शेप बनाना है, मैंने भी कैसे भी स्केच से बना लिया है, ऐसे ही एकदम परफेक्ट आना चाहिए। ऐसे ये देखिए फ्रेंड्स, चार बन चुके हैं, देखो। चलो अभी इनको सेपरेट करते हैं। ये देखिए मैंने चार बना लिए, अभी चार क्यों चाहिए वो देखते हैं। फर्स्ट हम लोग दो लेंगे, एक पहले एक का ही डिजाइनिंग करके लेते हैं। तो फिर प्रतीक, मेरे को ऑर्गेमी क्राफ्ट पेपर दो, उसमें से हम लोग ब्लैक कलर लेंगे। सो फ्रेंड्स, ये थोड़ा ग्रेइश है, फिर चल जाएगा, ब्लैक लग ही रहा है। आप कलर भी कर सकते हो शेप बना के, तो चलो सर्कल बनाते हैं। ये हमें सर्कल भी चार चाहिए, क्योंकि मेरी अगर दो आंखें हैं तो फिर प्रतीक के दो और दो कितने, टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर, वन टू थ्री फोर। नर्सरी में नहीं है अपने फ्रेंड्स, हो गए फिर भी पढ़ा रहे। प्रतीक के लिए, प्रतीक को मैंने इसलिए बिठाया क्योंकि वो थोड़े छोटे मोटे सामान दे देगा। अभी हम लोग इसके ऊपर सर्कल ड्रॉ करके कट कर देंगे, चार बन जाएंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने ऐसे सर्कल बना दिया है, सर्कल में काट लेंगे ना, परफेक्ट भी नहीं हो तो। चलो फिर काट के मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने सर्कल बना दिया, उसके बीच में से भी एक सर्कल बनाना है, इसलिए हम लोग ऐसे उसको डायमीटर में फोल्ड कर देंगे, यानी हाफ, और रेडियस में फोल्ड कर लेंगे, या फिर हाफ या हाफ, ये बन जाएगा हमारा क्वार्टर। और उसके बीच में से यहाँ पे है ना, उसको ऐसे कट कर दे, ये देखिए ऐसे। सो फ्रेंड्स, बीच में से और एक आ गया, अभी इसको हम लोग स्टिक करेंगे। हम लोग स्टिक करने के लिए ग्लू का यूज कर रहे हैं, ऐसे स्टिक करना है। प्रतीक आप भी करो, तुम दो दो, हाँ दो ग्लू, और आप भी स्टिक कर दो।
ठीक करने के बाद मिलते हैं। चलो अभी पांडा के क्या रहते हैं, कान भी रहते हैं, अभी कान भी बना रहे हैं। चलो तो फिर बनाते हैं। कान बनाने के लिए भी सेम तकनीक हमें फोल्ड करना है, फोल्ड टाइप। फ्रेंड्स मैंने देखिए ऐसे यू बना दिया है, तो अभी हम लोग इसे कट करते हैं। ये हार्ड भी करने पेपर बहुत ही इजी है बनाना, आप भी बना सकते हो। 500 रुपीज स्पेंड करने से अच्छा आप इसे 30 रुपीज में, नहीं 9 रुपीज में बना सकते हो। 9 क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये आएगा ना, और क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे पास ऑलरेडी वगैरह ये ईयर्स बन गए, तो फिर चलो इनको भी स्टिक करते हैं। पर कहाँ पे स्टिक करना है, जो हम लोग ने दूसरा बनाया था ना उसके ऊपर स्टिक करना है, और जो पहला बनाया था उसके ऊपर नहीं करना है। तो फिर चलो स्टिक करते हैं प्रतीक। सो फ्रेंड्स हमने इनके ईयर्स भी बना दिए हैं, अच्छे लग रहे हैं ना। सो अभी पता नहीं दिखेगा एक दूसरे के लिए। तो अभी हम लोगों को क्या करना है देखते हैं। जो इलास्टिक है उसको डिवाइड करना है, कैसे डिवाइड करना है देखते हैं। जो आपका मेजरमेंट है निकाल दिया मैंने, पूछो अभी उसके जो माप है उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपको इलास्टिक चाहिए, और कट कर देना है सेम मेरे लिए भी ऐसे कट कर देना है, और उसके बाद नीचे से बीच में से भी कट कर देना है। ओके दो हो गया। अभी कैसे स्टिक करना है इनको, जो आईज वाला था ना, ईयर्स वाला सॉरी, उसके ऊपर आप स्टेपल भी कर सकते हो, स्टिक भी कर सकते हो। हम लोग स्टेपल दोनों करेंगे एक्स्ट्रा से। आप मत यूज करना जो 8 इयर्स से छोटे, जो 8 इयर्स से बड़े है वो स्टेपलर को चला सकते हैं। ठीक है मेरे भैया, 12 इयर्स के लिए इसको हम लोग स्टेपल करने के बाद मिलते रेडीमेड ब्लाइंड फूल के साथ, यानी जो बना हुआ है उसके साथ। सो फ्रेंड्स रेडी है हमारा जोकर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय बाय।